हे गाइस, अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सब लोग SBI क्लर्क का वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और उसके एग्जाम डेट जो फिक्स हुई है। और दूसरी बात, आप SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। और तीसरा ये कि जो भी बच्चे थोड़ा पढ़ रहे हैं और थोड़ा जिनके एग्जाम्स वगैरह नहीं निकले हैं और वो बहुत डीमोटिवेट हैं, तो अपना मोटिवेशन कैसे बरकरार रखें, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों के लिए बात करने वाली हूँ जो कि डीमोटिवेट हैं थोड़ा। तो देखो, अभी तक यदि आपका कोई एग्जाम नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप डिटर्मिनेशन से प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप ये जितना भी टाइम हमारे SBI क्लर्क के लिए बचा हुआ है या आने वाले भी और से एग्जाम है जैसे कि UIICL AO वगैरह हैं, इनके लिए भी है ना, तो आप अभी भी प्रिपरेशन करोगे ना, यदि आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई आप में, आप अभी भी कर सकते हो स्टार्ट। और बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करोगे तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, कभी भी आपको डिमोटिवेशन फील हो ना, तो आप ना उस मोमेंट को याद कर लिया करो जिस मोमेंट में आप सोचो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में है। ठीक है, आपका रिजल्ट आपके आंखों के सामने खुला हुआ है, और साथ में उस दिन आपकी जो फैमिली होगी या आप होगे वो कितना खुश होगे, जब ये याद करोगे ना आपको, तो आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और एक दो बातें जो अलग से आपको ना अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ये डिमोटिवेशन हमें पता है क्यों हो जाता है, हो सकता है कि या तो हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं, इसलिए हम डिमोटिवेट हैं, या फिर हमने कुछ ज्यादा ही अपने आप को पढ़ाई में ही डाल दिया तो हम अदर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। अदर एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज हो गया, या फिर जो भी आपकी फेवरेट चीज हो गई। लाइक एग्जाम्पल के लिए, मेरी प्रिपरेशन के दौरान ना मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए ना दिन में एक आध बार कोई जो 15-20 मिनट का जो ब्रेक रहता था ना, उसमें डांसिंग करती थी मैं। ठीक है, या फिर वॉकिंग वगैरह मुझे पसंद है, शाम को बाहर जाना, तो मैं वो करती थी। इससे क्या होता था, हमारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा फ्रेश रहता है, और जब दिमाग फ्रेश रहता है ना यार, हम टफ से टफ चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक तो आपको अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज पे ध्यान देना है पढ़ाई के अलावा, और दूसरी बात ये कि जब भी आप डीमोटिवेट हो ना, आपको वो मोमेंट याद करना है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइडली की तरफ से 50-day टारगेट है प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। आप अभी से वो टारगेट लगाने स्टार्ट कीजिए। डेली एक प्री का PDF, डेली एक मेंस का टारगेट वाला PDF आप लगाने स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर यदि आपने स्टार्ट नहीं किया तो करंट अफेयर अभी इसी मंथ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अक्टूबर से। बाकी जो भी बैग बचेगा ना, वो हम बाद में धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको गाइडली के 50-day टारगेट से डेली SBI क्लर्क का प्री और मेंस देना है। ठीक है, और साथ में आपको करंट अफेयर डेली रिवाइज करनी है, तो वो आप स्मार्ट क्विज से कर सकते हो या गाइडली का डेली का जो भी PDF होता है ना, आप उससे रिवाइज कर सकते हो। बस डेली होना चाहिए करंट अफेयर, तो अभी भी नहीं किया है ना, तो अभी इस मंथ से कर लेना कवर। उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जिसके लिए आप सब लोग बहुत वेट कर रहे होंगे, और वो है SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो दिवाली के आसपास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट है वो 5 जनवरी 2024 जो है वो है इसका प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 18th of February को है। ठीक है, तो अभी तक ये सब एक्सपेक्टेड डेट है, और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन का मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है। तो स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं है अभी तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं, अब हो जाएगा, अभी स्टार्ट कर लो। थोड़ा सा मोटिवेशन जो है आपका थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बरकरार रखो, क्योंकि वो जो फिर अप्रैल में जब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा ना, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। तो ये समझ के कि आपको 4 से 5 महीने ही है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़े से और लोगों के ताने सुनने, तो सुन लो भाई, इतना तो आप हार्डवर्क किए हो, इतना तो पावर होगा आप में कि आप सुन सकते हो। जब वो डिसीजन ले सकते हो गवर्नमेंट जॉब का, तो आप सब कुछ सुन सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक में आप लोग के लिए वीडियो ले आऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दशहरा।